आप देख रहे हैं देश खबर 24 और वक्त खबरों का। अरिबा में बढ़ते साइबर अपराध से निपटने के लिए अब पुलिस अधिकारियों को भी साइबर का एक्सपर्ट बनाने की कवायद शुरू कर दी गई है। 7 किलोमीटर का एरिया है, 4 गेट पड़ते हैं। पहले गेट से चाहे ऑफिसर हो, अगर उसके वहाँ पे अपॉइंटमेंट नहीं है तो अंदर घुसने नहीं देते, ठीक है। तो उन्होंने कहा उसको बुला, मैं चेक करना चाहता हूँ कैसे करेगा वो, इतने बड़े प्लेटफॉर्म में उसको खड़ा कर रहे हैं पहली बार। तो जब मैं गया तो बोले साहब कैसे करोगे, मैंने कहा अब मैं भी क्या बताऊँ कैसे करूँगा। तो जब मेरा लेक्चर हुआ उसमें इंडियन पुलिस ऑफिसर तो थे, श्रीलंका पुलिस, उज्बेकिस्तान और कई सारे वहाँ के पुलिस ऑफिसर्स, बड़े साइबर हेड्स आए थे। तो उज्बेकिस्तान के साइबर हेड ने उस लेक्चर के बाद खुश होके अपने को एक सम्मान हुआ, बोले जो तीन उनकी जो खास चीज़ें होती हैं, जैसे अपने यहाँ कुछ चीज़ें होती हैं, एक मिट्टी का कुछ लेके आए थे जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया को और एक मिनिस्ट्री ऑफ होम। रीवा के पुलिस कंट्रोल रूम में आज जिले भर के पुलिस अधिकारियों के लिए साइबर ट्रेनिंग का आयोजन किया गया। यहां साइबर से संबंधित इस ट्रेनिंग में साइबर सेल के विशेषज्ञ अधिकारियों के द्वारा पुलिस अधिकारियों को महत्वपूर्ण जानकारी दी जा रही है, जिससे आने वाले समय में बढ़ रहे साइबर अपराधों पर जल्द से जल्द कार्रवाइयां की जा सके। दरअसल जिले में जिस तरह से साइबर अपराधों का ग्राफ बढ़ रहा है, उसी तरह से अब पुलिस भी अपराध पर अंकुश लगाने के लिए हर उस नए तरीके को अपना रही है, जिससे अपराधों पर अंकुश लगाया जा सके। एडीजी वेंकटेश्वर राव के निर्देश पर आज यह महत्वपूर्ण ट्रेनिंग पुलिस कंट्रोल रूम में आयोजित की गई है, जिसमें पुलिस अधीक्षक नवनीत भसीन, एएसपी सुकुमार वर्मा की उपस्थिति में जिले भर के पुलिस अधिकारियों को ट्रेनिंग दी जा रही है। माना जा रहा है कि यह ट्रेनिंग थाना प्रभारियों सहित पुलिस अधिकारियों के लिए आने वाले समय में महत्वपूर्ण साबित होगी। ये हमारे एडी सर के निर्देश पर हमारे एसपी साहब के द्वारा ये साइबर सेल का प्रशिक्षण आयोजित किया गया था, जिसमें साइबर एक्सपर्ट हैं मिस्टर कुलदीप, उनके द्वारा ट्रेनिंग दी जा रही है। इसमें हमारे एसपी साहब खुद मौजूद थे, मैं भी था और सारे हमारे जियोज, इसमें सीएसपी दोनों, एसडीओपी सभी और सभी जिले के सभी थाना प्रभारी मौजूद रहे हैं। इस ट्रेनिंग का उद्देश्य है जो बढ़ते साइबर क्राइम को नियंत्रित करना, साइबर अपराधियों को की धरपकड़ करना और उससे संबंधित जो भी साख संकलन विवेचनाएं करना, इसमें सम्मिलित है सब। इसी ट्रेनिंग का नतीजा था अभी कि जो एक घटना घटी हुई थी, एक सेल प्रकाश करके थे व्यक्ति जो गायब हो गए थे अचानक और उनके बारे में पतासाजी लगाने की ज़रूरत पड़ रही थी, तो उनके परिवार के लोग बहुत ही परेशान थे, बड़े मतलब दुखद उसमें माहौल में चल रहे थे कि पता नहीं उनके साथ क्या हो गया क्या नहीं हुआ। उसी क्रम में ये जो ट्रेनिंग आयोजित की गई थी 2-3 दिन पहले और अभी जो लगातार चल रही, उससे फ़ायदा मिलते हुए हमारे टीआई समान के द्वारा और साइबर टीम के द्वारा, साथ ही हमारे कप्तान साहब के द्वारा भी उसमें लगकर प्रयास हुए, जिससे सेल प्रकाश दस्तयाब हो चुके हैं और उनके बारे में जानकारी लग गई। परिवार के लोग आज बहुत प्रसन्न थे, बड़े खुश थे, पूरा का पूरा परिवार कंट्रोल रूम में आकर पुलिस की उस टीम को बधाइयां दे के गया है, शुभकामना दे के गया है और उनकी बड़ी तारीफ करके गया है। ये इस प्रशिक्षण का ही नतीजा था।